बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है फयाल हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाल बुराक फूड्स। आज नाज़रीन मैं काढ़े की रेसिपी लेके आया हूँ जो मेरी अम्मा बनाती है। इतना मजेदार काढ़ा बनेगा। उसका काम यह है कि अगर आपको वो कमजोर नहीं करेगा ना, पतला नहीं करेगा, तो आप जितने मोटे हैं उससे ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। ऐसा काढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे मेरी अम्मा ने बताया है। आइए आपको दिखाता हूं ये किस तरीके से मैं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा। अच्छा देखें, ये मेरे पास है दालचीनी, ठीक है, 3 से 4 मैंने दाने ले लिए। ये मेरे पास है अदरक, किस तरीके से स्लाइस करके मैंने काट लिए। एक मैंने लिए बड़ी इलायची। ये है मेरे पास लौंग, 6 से 7 दाने। ये देसी लहसुन है, बिल्कुल खालिस देसी लहसुन है, 5 जवे मैंने इसके लिए है। ये मेरे पास छोटी इलायची है। ये मेरे पास है किशमिश सफेद कलर में, ये मेरे पास किशमिश जिसको हम दराख भी कहते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं, हमने इनको पकाना है। किस तरीके से पकाना है, ये मैंने इस सॉसपैन के अंदर पानी डाला हुआ है। देखिए पानी मैंने कितना डाला हुआ है। ये मेरे पास काले कलर में चाय वाला सॉसपैन था, इसके अंदर मैंने कम से कम 1.5 से 2 गिलास पानी डाले हैं। मैं आपको फिर दिखा भी देता हूं सही तरीके से। अब ये पानी जब बॉयल होगा मैं आपको बताता हूं फिर हमने क्या डालना है, कैसे डालना है। अच्छा देखें, ये पानी हमारा बॉयल हो गया है। अब इसके अंदर ये सारी चीजें मैं डाल दूंगा। देखें मैं बना रहा हूँ 7 से 8 लोगों के लिए, 6 से 7 कप मैं बना रहा हूँ। आप अगर कम बनाना चाहें तो ये चीजें कम कर सकते हैं, ये जो मैं इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रहा हूं आप कम कर सकते हैं। ये मैं सारे इसके अंदर डाल दूंगा, लहसुन में सब कुछ इस कावे के अंदर मैं डाल दूंगा। देखिए बहुत ही मजेदार, इसका सबसे जो बड़ी बात है ना, आपके जिस्म का जो दर्द है ना वो ये खत्म करेगा, मेरी गारंटी है। आप इसको जरूर पिया करें सुबह शाम। अच्छा देखें, ये सारी चीजें डालने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। कम से कम 10 मिनट के लिए हम इस काढ़े को पकाएंगे, पूरे 10 मिनट। अब इसका देखें माशाल्लाह कलर देखें, बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। मेरी अम्मा इसको जब बनाती है ना, कम से कम 20 से 25 मिनट वो पकाती हैं। जी देखें, इसको मैं आपको चेक कराता हूँ कैसा इसका कलर आ रहा है। माशाल्लाह ऐसा कावा है कि आप इसको याद रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, ये कम से कम मैंने इसको 10 मिनट पकाया है। आप अगर ज़्यादा पकाना चाहें तो कोई उसमें मसला नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ये मज़ीद अच्छा बनेगा। लेकिन मैंने 10 मिनट पकाया है। अब देखें ये कावा हमारा माशाल्लाह इस कंडीशन में आ चुका है। देखें ये कलर हो चुका है हमारे इस कावे का। मैंने इसमें अभी मीठा नहीं डाला है, वो बताता हूँ आपको बाद में। जी देखें, ये मेरे पास है सब्ज चाय, ये मेरे पास है पुदीने के पत्ते। ये सब्ज चाय, ये पुदीने के पत्ते हैं। मैं ये मेरे पास ये केतली है, ये इसमें डाल दूंगा मैं आखिर में, ये भी मैं इसमें डाल दूंगा। अब वो जो मैंने कावा बनाया वो इसमें कल्टी करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सारा कावा मैं इसके अंदर डाल दूंगा इस तरीके से। देखें अब इसका मैं ढक्कन बंद करके 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। 1 मिनट के बाद आपको मैं कावा अपना प्याले में डाल के दिखाता हूं किस तरीके से इसका लुक आया और कितना मजेदार बना है, और बाद में हमने इसके साथ क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा अब कावे को मैं छान के आपको दिखाता हूं। इस कप में भी डाल के मैं आपको चेक करवाता हूं कि इसमें क्या इसका लुक आया है। ये मेरे पास है शहद हनी। आप अगर चीनी डालना चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ डालना चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, एक मिश्री आती है वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें शहद डालूंगा, 1 चम्मच इसके अंदर मैं डालूंगा, फिर मैं मीठा चेक करूंगा, अगर कम लगेगा तो मैं फिर और डाल दूंगा। इसको मिक्स करके इसमें भी शहद डाल के मिक्स करूंगा मैं,
थोड़ा सा इसमें ऐसे कर लेंगे देखें, ताकि हमारी शहद जो है ना जाया नहीं जाए, ये साफ हो जाइए। अब इसको मैं इस तरीके से मिक्स कर लूंगा। अब ये मेरे पास है लेमन, देखिए दो लेमन मैंने लिए हैं, दो एक लेमन को मैंने काट लिया है, लेकिन मैं इसमें आधा लेमन इस्तेमाल करूंगा। आप अगर आधा आधा डालना चाहे तो आपकी मर्जी, क्योंकि लेमन इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेमन मैं आधा इसमें डालूंगा, आधा लेमन मैं इसमें निचोड़ूंगा। अब इसको मैं मिक्स कर लूंगा। ये देखें माशाल्लाह, ये कावा हमारा इतना मजेदार और टेस्टी कावा तैयार हुआ है कि यकीन जाने आप मुझे दुआएं देंगे अगर आपने ये कावा सुबह शाम पीना शुरू कर दिया। मैं डॉक्टर नहीं बन गया, लेकिन आपको इस कावे की रेमेडी जो मैं दे रहा हूं बहुत ही मजेदार है। मैं खुद ये कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, शुरू से इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप बोलेंगे खुद तो मोटा है, हमें बता रहा है कावे की रेसिपी, लेकिन मैं अब कुछ दिनों से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रॉपर। मैं भी इसको इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाकर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा और डेढ़ से दो महीने में मैं आपको दिखाऊंगा माशाल्लाह मेरा वजन कितना कम हो रहा है और कितना मुझे ये कावा फायदा दे रहा है। ये मैं थोड़ा सा पी के चेक करता हूँ क्या इसकी जायका हुआ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी कावा हमारा तैयार हुआ है। अगर आपको मेरे इस कावे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को नाज़िम जरूर दबाया करें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलती रहे। और कमेंट्स में भी बताया करें कि मैं जो चीजें आपको बना के बता रहा हूँ अच्छी है या बुरी है, जो भी आपका दिल करे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।